नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एक नई वीडियो में। मारुति सुजुकी ने अभी कुछ ही महीने पहले अपनी न्यू जनरेशन बलेनो को लॉन्च कर दिया है, जिसमें आपको कई सारे फीचर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं और ये कार हमेशा टॉप 3 सेलिंग कार्स में बनी रहती है। गाड़ी कई सारे फीचर्स के साथ लोडेड आती है, जैसे कि इसमें हेड अप डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिल जाता है फर्स्ट इन सेगमेंट, और इसमें आपको 6 एयरबैग्स भी मिल जाते हैं, और इसमें 360 व्यू कैमरा भी मिल जाता है इन फर्स्ट इन सेगमेंट। आप जानते होंगे कि पहले वाली बलेनो की बिल्ड क्वालिटी कैसी थी। बिल्ड क्वालिटी तो क्या ही थी, बस लोहे के ढांचे में 4 पहिए लगाकर दे देते थे कंपनी वाले। गजब बेइज्जती है। पुरानी वाली बलेनो ने 3 स्टार स्कोर किए थे लैटिन एनकैप में। यहां पर न्यू जनरेशन बलेनो का एक पहला मेजर एक्सीडेंट सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक ड्राइवर के सामने कोई ऑब्जेक्ट आ गया था अचानक से, तभी ड्राइवर ने पूरा स्टेयरिंग काट दिया और गाड़ी डिवाइडर से जाकर लड़ गई। आप लोग इमेजेस में देख ही सकते हैं कि गाड़ी की क्या हालत हो गई है। यहाँ पर गाड़ी की स्पीड 80-90 किलोमीटर बताई जा रही है। यहाँ गाड़ी में 5 लोग ट्रेवल कर रहे थे और किसी को भी कोई इंजरी नहीं आई है और सभी सेफली बाहर आ गए। यहाँ पर बलेनो ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हुए सभी पैसेंजर्स को सेफ रखा। यहाँ पर बलेनो के ए और बी पिलर तक डैमेजेस आए हैं और छत भी थोड़ी बहुत बैंड हो गई है। न्यू जनरेशन बलेनो का अभी तक क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है। ये गाड़ी वहाँ पर कितने स्टार लाएगी ये देखना होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके पास किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो या कुछ इन्फॉर्मेशन है तो हमारी आईडी पर आप सेंड कर सकते हैं।